अरविंद केजरीवाल जब से गिरफ्तार हुए हैं पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है। ईडी एक तरफ अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है, दूसरी ओर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे को घेरने का प्लान बनाया हुआ है। अब इस वक्त बड़ी खबर इस सारे प्रकरण से जुड़ी है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हमारे पास है, आज हो सकती है के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ। जी, कल के कविता के रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने कविता को अदालत में पेश किया था और ईडी को के कविता की 3 दिनों की और रिमांड मिल गई। ईडी ने अदालत को बताया कि के कविता से अभी पूछताछ जरूरी है, के कविता का आमना सामना कुछ लोगों से करवाना है, मोबाइल का डेटा डिलीट किया गया है और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी उसको के कविता के सामने रखकर उनसे पूछताछ करनी है। ये बातें कल कोर्ट के सामने ईडी ने कही और जब ये बातें कोर्ट ने सुनी तो 3 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई। और ईडी के सूत्रों की माने तो के कविता और केजरीवाल से एक ही जैसे सवाल अलग अलग बैठाकर किए जाएंगे और दिए गए जवाबों में जब विरोधाभास मिलेगा तो दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। ये बड़ी खबर। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली में ईडी दफ्तर पर, जहां पर यह पूछताछ होनी है और हो रही है, वहां से मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली से अजातिका सिंह भी हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन पहले हम मनोज वर्मा के पास चलेंगे क्योंकि पूछताछ वहां पर होनी है और आज पूछताछ में जो कुछ होना है उन सब पर विस्तृत जानकारियां मनोज वर्मा हमें देने जा रहे हैं। मनोज, ताजा अपडेट। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक अरविंद केजरीवाल से कोई पूछताछ शुरू नहीं हुई है। सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक करीब 10:30 बजे ये पूछताछ शुरू हो सकती है और सूत्र यही जानकारी दे रहे हैं कि आज के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। कल जब अदालत में के कविता को पेश किया था तब ईडी ने और रिमांड की मांग की थी, 3 दिन की रिमांड मिल गई है और ईडी ने साफ तौर पर यह बताया था कि के कविता का आमना सामना कई लोगों से करवाना है, इसके अलावा जो साक्ष्य मिले हैं उनको सामने रखकर भी पूछताछ करनी है। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल के सामने आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाए। तो यही वजह है कि आज हो सकता है कि पहले दोनों से अलग अलग सवाल किए जाएंगे और अगर उन जवाबों में विरोधाभास मिलेगा तो दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से ये सामने आया था, ईडी ने जांच में ये पाया कि अरविंद केजरीवाल इस पूरी नीति, शराब नीति में जो घोटाला हुआ है उसके मास्टर माइंड है और के कविता के साथ मिलकर के ये साजिश रची गई थी, तो 100 करोड़ रुपए जो थे वो पहुंचे थे आम आदमी पार्टी तक और उसका जो इस्तेमाल था वो इलेक्शन में हुआ था। इसी इन्हीं कड़ियों को जोड़ने के लिए आज हो सकता है कि ईडी पहले दोनों से अलग अलग सवाल करे और उसके बाद अगर विरोधाभास पाया जाता है तो दोनों को आमने सामने बैठाकर भी ईडी की टीम पूछताछ कर सकती है। ठीक है मनोज, हमारे साथ आप बने रहे और हम मनोज से और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। ईडी की कस्टडी से सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहला आदेश जारी किया है, यह सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। जल मंत्रालय को लेकर केजरीवाल ने ऑर्डर जारी किए हैं और कुछ ही देर में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कल तकरीबन अरविंद केजरीवाल से 12 घंटे ईडी ने पूछताछ की। सुबह 10:30 बजे ये पूछताछ शुरू हुई और रात के 10 बजे जाकर खत्म हुई। अभी आज कोई पूछताछ शुरू नहीं हुई है लेकिन कल 12 घंटे ये पूछताछ हुई। अब आज क्या दिल्ली में होने जा रहा है ये सब बताने के लिए, क्योंकि विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग है, आम आदमी पार्टी की पुतला दहन की प्लानिंग है और भ्रष्टाचार के खिलाफ होलिका दहन की प्लानिंग बीजेपी की है, तो क्या हो रहा है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजातिका भी जुड़ी हुई है। अजातिका, ताजा अपडेट आपके पास क्या है? जी बिल्कुल राजेंद्र देव जी, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली बीजेपी दफ्तर में और जैसे कि आपने सवाल पूछा कि किस तरह से होलिका को लेकर दोनों राजनीतिक पार्टियों की तैयारी है, तो देखिए होली के रंग में राजनीतिक रंग आज देखने को मिलेगा पूरी दिल्ली में। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है भाजपा के ऊपर कि उन्होंने इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडीज जैसे कि ईडी का दुरुपयोग किया है और अपनी शक्तियों का ईडी दुरुपयोग कर रही है, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके, लिहाजा जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली के हर चौक चौराहे पर आज प्रदर्शन करती हुई दिखेगी, उसी के जवाब में दिल्ली बीजेपी भी प्रदर्शन करते हुए बहुत बड़े विस्तृत तौर पर दिखाई देगी, बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन दिखाई देंगे और आपको कुल नंबर बता दूं तो 18 प्रदर्शन आज दिल्ली बीजेपी की तरफ से किए जाएंगे, फिर चाहे वो नांगलोई में हो, पश्चिमी दिल्ली में हो, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हो, चांदनी चौक में हो, नांगलोई में हो,
रोहिणी में हो, ऐसे कोई चौराहा दिल्ली में जो मशहूर है वहां पर दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन भी किया जाएगा। जाहिर तौर पर लोकसभा के चुनाव भी नजदीक हैं, ऐसे में बीजेपी भी नहीं चाहती कि कोई भी मौका उनके हाथ से छूटे या गवारा जाए। ऐसे में हर मौके का इस्तेमाल करने में दोनों पार्टियां जुटी हुई हैं। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि इतिहास में पहली बार सिटिंग सीएम ईडी दफ्तर में बैठे हैं, उनके साथ पूछताछ चल रही है, उनकी पार्टी की जो मुख्य नेता हैं आतिशी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उनके द्वारा यानी कि केजरीवाल जी के द्वारा जो दिए गए आदेश हैं उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की जा रही है, उनकी स्पोक्स पर्सन बन के जो आतिशी हैं वो बात कर रही हैं मीडिया से। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी भी आक्रामक रूप में नजर आएगी और होलिका दहन की तैयारी की जाएगी। वो लगातार इस बात को टारगेट कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की मूरत हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उसके बावजूद उन्होंने क्यों इस्तीफा नहीं दिया है, क्यों वो उस कुर्सी पर कायम है, क्यों क्यों जेल से जो दिल्ली का पूरा शासन है उसको चलाने की बात की जा रही है उस पार्टी के द्वारा और उस नेता के द्वारा जो लगातार ये दावा करता रहा है कि कोई भी दागदार नेता अगर उनकी पार्टी से एसोसिएटेड होगा तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त विपक्ष के तौर पर भाजपा बड़े आक्रामक रूप से उठाती हुई हर जगह से दिल्ली में दिखाई देगी, हर चौक चौराहे से दिखाई देगी, 18 लोकेशंस पर। बड़ी बात है, आप कह रही हैं आजातिका कि 18 लोकेशंस पर ये विरोध प्रदर्शन होगा, लेकिन फिलहाल दिल्ली की मंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं। जो इतनी विकट परिस्थिति में जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता है। उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ उनके वोटर नहीं हैं, वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने दिल्ली की सरकार को एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह चलाया है और यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, हर दिल्ली वाले के बारे में सोच रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना चाहती हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों से प्यार है, जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, आप उसे कैद नहीं कर सकते, उनके दिल्ली वालों के प्रति समर्पण को कैद नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं, जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल। आज भी गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं
दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपको ये आश्वस्त करती हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं और दिल्ली वालों की देखरेख कर रहे हैं। थैंक यू। जल विभाग का ये मामला है और अतिरिक्त विधानसभा में भी सत्र चला था, वहाँ पे भी निर्देश दिए गए थे मुख्य सचिव को और उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी कि काम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ये जो आदेश दिए हैं तो क्या ये माना जाए कि इस तरह के और आदेश आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेंगे? आप वाकई जेल से सरकार चला रहे हैं क्या, ये भी साबित करने की कोशिश है? देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी लगातार मंत्रियों के कामों का रिव्यू करते हैं, उनको आदेश देते हैं। हमें कभी सुबह फ़ोन पे कॉल करते थे, कभी व्हाट्सएप पे आदेश देते थे। हर विभाग के काम पर वो एक क्लोज सुपरविजन हमेशा बतौर मुख्यमंत्री रखते आए, क्योंकि अब वो केंद्र सरकार की हिरासत में है, वहाँ से भी उन्होंने पूरी निगरानी रखी हुई है। और क्योंकि पानी की समस्या गर्मियों में एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि पानी की समस्या पर लगातार प्रॉब्लम चल भी रही थी, इसलिए उन्होंने प्रायोरिटी पर पानी की समस्या को ठीक करने को कहा है। जो अरविंद केजरीवाल जी के आदेश आए हैं, इनके आधार पर आगे अफसरों को डायरेक्शंस दी जाएंगे। बड़ी खबर, इस वक्त दिल्ली की जल मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं आतिशी। वो कह रही हैं, बात की शुरुआत उन्होंने ऐसे की कि अपनी तकलीफ को किनारे करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनको आदेश दिए। आदेश यह है कि जो सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, उसको दुरुस्त किया जाए और उसके बाबत मुख्य सचिव को आदेश दिए जाएं। आइए अब आपको ईडी दफ्तर लिए चलते हैं। वैसे हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अब हम आपको ईडी दफ्तर लिए चलते हैं। मनोज वर्मा वहां से हमारे साथ कनेक्ट हैं। मनोज, आप जो मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने वहां ईडी दफ्तर के लॉकअप से आदेश जारी किया है, उसके बारे में हमारे दर्शक जान गए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, लेकिन वहां पर क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, अभी अधिकारियों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और जो जानकारी हमें सूत्र दे रहे हैं कि करीब 10:30 बजे अरविंद केजरीवाल से एक बार फिर से जो ईडी के अधिकारी हैं पूछताछ का सिलसिला शुरू करेंगे और 10:30 बजे ये सिलसिला शुरू किया जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल से और के कविता से पहले अलग अलग सवाल किए जाएंगे, एक ही जैसे सवाल होंगे लेकिन वो अलग अलग किए जाएंगे और उन जवाबों में अगर विरोधाभास पाया जाता है तो दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। कल जब के कविता को पेश किया गया था तब ईडी ने साफ तौर पर कहा था कि के कविता की रिमांड जरूरी है, अभी पूछताछ उससे जरूरी है और उस के कविता का आमना सामना भी कुछ लोगों से करवाना है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रकरण सामने आया, 100 करोड़ रुपए की बात इन्वेस्टिगेशन में सामने आई और उस 100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल जो था वो इलेक्शंस के दौरान किया गया, तो कड़ियों को जोड़ने के लिए आमने सामने बैठाकर पूछताछ जरूरी है। यही वजह है कि अदालत ने भी 3 दिन की जो रिमांड है के कविता की दे दी है। अब ये देखना होगा कि ये जो पूछताछ है आमने सामने बैठाकर, एक बात स्पष्ट करिए, चूंकि आप कह रहे हैं कि के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों से एक तरह के सवाल आज किए जाएंगे ईडी दफ्तर में, इसका मतलब ईडी के अधिकारियों की दो टीमें एक ही समय पर के कविता और अरविंद केजरीवाल से उसी ईडी दफ्तर में आज पूछताछ करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, ईडी के दो टीमें भी हो सकती हैं और एक ही अधिकारी भी हो सकते हैं कि पहले वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करें और उसके बाद फिर के कविता से पूछताछ करें। और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला शुरुआत में सामने आया था, जो मंगूठा श्रीनिवास सल्लू हैं, जो एक बिजनेसमैन हैं, वो उसने अपने बयान में ये बताया कि उसकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से साल 2021 में हुई थी, जब वो एक अखबार में ऐड देख करके अरविंद केजरीवाल से आबकारी नीति का ऐड देख करके मिले थे। तब अरविंद केजरीवाल ने उनको ये कहा था कि के कविता भी इस काम के लिए अप्रोच कर चुकी है और उन्होंने 100 करोड़ रुपये भी ऑफर किए हैं, आप के कविता से बातचीत कीजिए। तब ये पूरी की पूरा जो प्रकरण था सामने आया था, तो उन्हीं कड़ियों को जोड़ने के लिए, यानी कि वो 100 करोड़ रुपये कहाँ से आए, किसको दिए गए, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हुआ, तो तमाम एक लंबी सवालों की फहरिस्त जो है वो ईडी ने तैयार की है और उसमें पहले अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद के कविता से पूछताछ की जाएगी और जब ऐसा ईडी को लगेगा कि दोनों के बयानों में विरोधाभास है तब दोनों को आमने सामने बैठाकर ईडी पूछताछ करेगी। बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा, आप नजर बना के रखिए क्योंकि अभी पूछताछ शुरू नहीं हुई है। बहुत धन्यवाद आजादी का आपका भी। इधर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है।
एक सफर शुरू हुआ जो बात तो कर रहा था स्वराज का, लेकिन खत्म हो गया है शराब पर। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम, शराब घोटाला। ईडी और सीबीआई 2014 के पहले ऐसे काम नहीं करती थी। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, और इस सोच के साथ कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। और आज ये पूरी बातें दिन भर चलती रही हैं, जेल से सरकार चलाने की बात हो रही है, जेल से गैंग चला करते हैं, जेल से सरकार नहीं चलती। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन भी हो सकती थी जिस दिन उस आलीशान बंगले में गृह प्रवेश हो रहा था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन भी हो सकती थी कि जब इस पूरे शराब घोटाले के 100 करोड़ों का लेन देन अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा था। अगर वो सिटिंग मुख्यमंत्री निर्लज है, बेशर्म है और अरेस्ट होने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं जी। और इस पूरे घोटाले की सबसे पहली शिकायत तो खुद कांग्रेस नेता अजय माकन ने की थी। आश्चर्य होता है कांग्रेस पार्टी की विडंबना को देख कर। पानी पी पी कर कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को कोस रहे थे और आज वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। मैं एक चुनौती देना चाहता हूँ। ये चुनौती है सोनिया गांधी जी के लिए, ये चुनौती है मल्लिकार्जुन जी के लिए, ये चुनौती है राहुल गांधी जी के लिए, और ये चुनौती है तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के लिए कि आप एक बार कैमरे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। यदि आप ये कह देंगे कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है तो हमें लगेगा वास्तविक रूप से आप जो कह रहे हैं वो आपकी दिल की आवाज है। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली आईटीओ के फुटओवर ब्रिज से आम आदमी पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथों में मैं भी केजरीवाल पोस्टर लिया हुआ था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि जब तक केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते वो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करते रहेंगे। तस्वीरें देखिए आप, ये आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता हैं। दिल्ली आईटीओ के फुटओवर ब्रिज पे आम आदमी पार्टी के जितने महिला कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आईटीओ ब्रिज पर इन्होंने एक बड़ा पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है मैं भी केजरीवाल, और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकती हैं कि यहाँ पर उनको अब दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन किया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि उनको यहाँ पर प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर महिला कार्यकर्ताओं की भीड़ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर महिला पुलिस की एक टुकड़ी को लाया गया है उनको यहाँ से डिटेन करने के लिए। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से महिलाएं हटने को तैयार नहीं है, नारे लगा रही है, और महिला पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुँच रही है उनको डिटेन करने के लिए, लेकिन वो लोग यहाँ पर हट नहीं रही। उनकी मांगे हैं, उनका कहना है कि जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनको 21 मार्च को ईडी के द्वारा कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था, उनको यहां से उनको रिहा नहीं किया जाता, तब तक ये लोग इसी तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन करती रहेंगी अपनी मांगों को लेकर। पुलिस आप लोगों को यहाँ से हटा रही, हटने के लिए कह रहे हैं, आप लोग नहीं जाना चाहती हैं? तो हम कोई परेशान थोड़ी ना कर रहे हैं किसी को, हम तो शांति पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे अरविंद जी को, जो जब तक ये नहीं छोड़ेंगे हमारा ऐसा ही प्रोटेक्ट चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को प्रोटेस्ट करने की परमिशन तो नहीं मिली थी, और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने इसलिए आप लोगों को हटाया था? पब्लिक प्रॉपर्टी हमारे देश की तो है, हम भी इस देश के निवासी हैं, हम कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें किस परमिशन की जरूरत है? होली कैसे मनाएंगे आप लोग इस बार? कल होली है, होली नहीं मनाएंगे हम केजरीवाल जी के साथ में, हम होली नहीं मनाएंगे। दिल्ली के हर एक एक महिला के लिए होली नहीं मनाएगी महिला दिल्ली की। देखिए एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाऊं तो महिला पुलिसकर्मी जो यहाँ पर पहुंची हैं वो समझाने की कोशिश कर रही है ताकि उनको बल का प्रयोग ना करना पड़े, और आराम से जो महिलाएं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं वो यहाँ से हट जाएं, अपनी जो मांगे हैं जिस तरीके से वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रही है वो हट जाएं यहाँ पर, लेकिन इसको खाली कर दे। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन का भी कार्यक्रम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज करेंगे। ये सभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनकी शराब घोटाले मामले में 21 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी ईडी के द्वारा, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके से देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब उनको यहाँ से डिटेन करके ले जाया जा रहा है, उनको हटा दिया गया है। कई घंटों की मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस की जो महिला पुलिसकर्मी है उन्होंने उनको यहाँ से हटा दिया है।
विरोध प्रदर्शन बीजेपी भी करेगी। और इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, बीजेपी ने भी सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। आज केजरीवाल सरकार के करप्शन के खिलाफ बीजेपी का होलिका दहन है। दिल्ली में जगह जगह भ्रष्टाचार की होलिका का दहन करेंगे बीजेपी के नेता। कई जगहों को मार्क किया गया है दिल्ली में।